दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय जिंदगी हक है और मौत बरहक। पाकिस्तानियों की जानिब से खोली गई पहली मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज, जो अमेरिका की तमाम रियासतों में 24 घंटे फाल है। अगर आप किसी ऐसे लावारिस मुसलमान बहन या भाई को जानते हैं जो इस दुनिया फानी से कूच कर गया है और तदफीन का मुंतजर है, हम करेंगे फ्यूनरल सर्विसेज फी सबीलिल्लाह। आप सिर्फ हमें कॉल करें और बाकी इंतजाम हम पे छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर की पुकार के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। आज 55 रोज मुकम्मल हो चुके हैं कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सूरत हाल को तब्दीली नहीं आ रही है, और अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में जिस तरह से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को मामूल पर बताने से गुरेज नहीं किया, इसी तरह से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी भारतीय सरकार का तमाम तर नकाब उतार फेंका है। और दरअसल वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में किस तरह से ज़ुल्म बरबरी का बाजार गरम रखे हुए हैं, वहां पर किस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सिलसिला अब भी नहीं रुक सका है, इस बारे में उनकी तकरीर रही। किस हद तक कामयाब रहे हैं इमरान खान कश्मीरियों की आवाज अक़वामे आलम तक पहुंचाने में, इस पर कुछ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहिबा वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। ये बता दीजिए, आप किस तरह से देखती हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर को अक़वामे मुत्तहिदा के फोरम पर? तकरीर काफी जज्बाती थी और समझिए कि कुछ चीजों का उन्होंने उजागर किया। खासतौर से मोदी साहब ने जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि हर चीज बिल्कुल ठीक है, और जो आर्टिकल 370 बहुत जरूरी था वहां पे डेवलपमेंट लाने के लिए वगैरह वगैरह, हकीकत तो बिल्कुल उसके बरक्स है कि इन्होंने इतनी 70 साल से इतनी मुदाखलत की है कि बेचारे कश्मीरी अपने मुल्क को अपने हिस्से को चला ही नहीं सकते। उनकी अपनी भी इख्तियारात में मदाखलत और उनको हटा देना, असेंबलीज को बार बार उन्होंने मदाखलत की है, और उनके लिए समझिए कि मुल्क अपना हिस्सा छोटा सा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर उसको चलाना मुश्किल बना दिया। ये जानबूझ के किया ताकि आज खड़े होकर वो कह सकते हैं कि भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, हम जा रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट लाएं, हम जा रहे हैं वहाँ बेहतरी लाएं, वहाँ पे हम वुमेन्स राइट्स की वोट भी लाएंगे। जब ये सब बातें कर रहे थे तो फिर दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो फ्रांसिस ने जो तस्वीर खींची वो तस्वीर बाकायदा बहुत हद तक मेरे ख्याल में उसमें नुकसान पहुँचा, और नुकसान यानी सब तर्जुमानी की इस तरह से कि जो मजालिम वहाँ हो रहे थे, डेथ स्पॉट की बात की बिल्कुल सही, जिस तरह से 13,000 लोग बाकायदगी से गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक हमें मालूम नहीं कि कहाँ है, किस हाल में है, टॉर्चर किया है, जान से मारा है, क्या हाल है। वहाँ पे बहुत से ऐसे मजालिम थे, उनकी थोड़ा बहुत जिक्र करना सही है, मगर एक चीज मैं आपको बता दूँ, ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मरहला बहुत लंबा है, ये अचानक कुछ नहीं ठीक होगा। और लॉकडाउन तो जबरदस्ती उन्होंने रखा सामने के पहले मैं यूएन जनरल असेंबली की स्पीच कर लूँ, वहाँ से अमेरिका से वापस आ जाऊँ, तब फिर उसके बाद हम तमाशे देंगे। तो ये तो उन्होंने इस वजह से लॉकडाउन रखा कि इनकी तस्वीर का वक्त, इनकी तकरीर का वक्त जो है वो गुजर जाए। अब हम देखेंगे असल चेहरा क्या होता है। शुरू में तो मेरे ख्याल में खामोशी होगी और फिर उसके बाद अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। अच्छा ये बताइए बैरिस्टर साहिबा कि हम दीगर मुमालिक की हिमायत हासिल करने में किस हद तक कामयाबी हासिल कर सके हैं, क्योंकि हमने जिस तरह देखा जेनेवा कन्वेंशन वाला फोरम था वहां पर हमने एक करारदाद सबमिट करवानी थी जिसकी डेडलाइन 19 सितंबर दोपहर 1 बजे तक थी, लेकिन हम नहीं करवा सके क्योंकि हमें महज 16 मुमालिक की भी हिमायत हासिल नहीं थी। अब हम इस तमाम तर मराहिल के तय होने के बाद क्या मजीद किसी मुल्क की हिमायत हासिल करने में कामयाब हुए हैं कश्मीर के मामले पर, उसको साथ मिलाने के लिए और भारतीय सरकार का चेहरा बेनकाब करने के लिए? देखिए भुट्टो साहब ने जो शिमला अग्रीमेंट में दस्तखत किया और उसके बाद जितने डिक्लेरेशंस आए हैं सब उसको बाकायदा उसकी तायद करते गए हैं, तो नतीजा उसमें हमने एक बहुत हद तक अपने हाथ बांध कर बांधे। उसमें यह है कि जब तक के हिंदुस्तान भी हाँ ना करे, राजी ना हो,
तब तक तीसरा बंदा कोई आ नहीं सकता। ये हमारी अपनी गलती है जो उसमें हम फंसे हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश है कि अगर वो कायल हो तो फिर तीसरा बंदा सालिस के तौर पे आ सकता है। लिहाजा इसके लिए हमें बहुत लंबी कैंपेन चलानी पड़ेगी। दूसरे ममालिक में अचानक आप कोई चीज मैदान में ले आए, अब वेनेजुएला को देखिए, हांगकांग को देखिए, वहाँ कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर वक्त लगता है उन प्रोटेस्ट को दुनिया के जहन के अंदर आना, उनकी बातों के अंदर आना, उनकी सियासत के अंदर आना, वक्त लगता है। हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि हम कश्मीरियों की जो इस वक्त उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, एक तरफ तो है कि जो कानूनी मसला है, दूसरी तरफ है कि इंसान के तौर पर जो जुल्म हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कितनी आवाज़ उठाई, जेनोसाइड ने कितना उठाया, मगर ये सिर्फ शुरुआत है क्योंकि बहुत देर तक हमने इस पे इस तरह से नहीं कोई एक्शन ली। इसमें हमें बहुत कुछ करना होगा, मेरे ख्याल से तकरीबन 6 से लेकर 7 साल लगेंगे मोबिलाइजेशन के, ताकि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन समझने लगे कि ये मसला क्या है। इस वक्त किसी को खास पता नहीं, जगह जगह इधर उधर करारदादें आई हैं, कुछ लोगों ने हिमायत की है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। तो इस वक्त समझना कि ये इनको फौरी तौर पर लोग मिल जाएंगे जो दस्तखत करेंगे, मेरे ख्याल में कबल अज वक्त है। हमें बहुत कुछ काम आगे करना है, वो काम नहीं हुआ है और इस काम को आगे करना पड़ेगा। ठीक, काम आगे होता हुआ आपको किस हद तक नजर आ रहा है? कितनी ज्यादा हुकूमत इन मामलात में संजीदगी अख्तियार किए हुए है, क्योंकि सिफारती महाज में तो हम पहले ही कोई बहुत ज्यादा मजबूत हमारे पास नहीं है सिचुएशन, और हम काफी हद तक नाकामी का सामना करते रहे हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल रही है गुज़िश्ता 55-56 दिनों में कश्मीर के मामले पर, तो जिस तरह आपने कहा कि 6 से 7 साल लगेंगे, ये तमाम तर मामला तहनों में चंद दिनों की बात नहीं है, आपको किस तरह नजर आता है मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान इस मामले को क्या बेहतर तरीके से डील करती नजर आ रही है? शायद अभी वक्त बताएगा जब ये वापस आएंगे, क्योंकि काफी इवेंट्स कोशिश की उन्होंने, बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं वजीर आजम सब, लेकिन हमें जो चीज करनी है वो ये है कि हमें पब्लिक जो है, पब्लिक के जरिए से, एनजीओस के जरिए से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए से, इंटरनेशनल एनजीओस के जरिए से, बहुत से फोरम्स में जाके वहाँ पे बाकायदा हमें तकरीर करनी पड़ेगी, करारदाद पेश करने की पड़ेगी। बहुत काम आगे है, हमने इसको किया नहीं। इंडिया तकरीबन 60-70 साल से इसी काम में लगा हुआ है। जिधर जाइए इंडिया की बात लोगों को मालूम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिसिटी की है और उन्होंने लोगों को समझाया छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में, इस पहलू से, उस पहलू से, उन्होंने कोई जाविया नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन सामने लाके अपनी मौकफ किसी न किसी हद तक लेके आ गए। ये चीज हमारे यहाँ तसलसल, हमारे फॉरन ऑफिस सिर्फ समझती है कि वो अगर कर देगी तो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गलत है। वो डिप्लोमेसी लेवल अपनी जगह, लेकिन हमें आजकल के जमाने 21वीं सदी के अंदाज में हमें इसको आगे लेना होगा। और ला के हम जो, जब हमारे बहुत सारे हमारे कश्मीरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हैं, हमें उनको आगे लाना चाहिए। कश्मीर की आवाज़ वो बनते हैं, हकदार हैं वो, उनकी आवाज़ के अंदर वो वजन होगा जो दूसरों का आपके हमारे में भी इतना नहीं होगा। उनको सामने लाएं, उनको साथ लेके जाएं, उनको चीज़ें बाकायदा वो आइडियाज आगे लेके जाएंगे, फोरम्स पे जाके बातें करें, तो इसका बहुत ज्यादा असर होगा। ये हमने नहीं किया है और पता नहीं क्या वजह है कि हम इससे हिचकिचाते हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ अगर हम करेंगे तो बात बनेगी, अगर हम करेंगे तो फरीक हो जाएगी बात। यानी पाकिस्तान का मौकफ, पाकिस्तान का मौकफ सिर्फ नहीं है, कश्मीरियों का अपना मौकफ है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने आजादी हासिल की और वो आजादी आज हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की तरह रह रहे हैं। वो आवाज उठनी चाहिए कि आप क्या बातें कर रहे हैं, हमने तो सबने कहा, हम तो अब मुसलमान की जो उन्होंने इलेक्टेड ये 3 सूबे बना, 3 हिस्से बनाए, डिविजन बनाए, डिस्ट्रिक्ट जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग, क्यों? ये पूरा इलाका जो है, जो बेल के कश्मीर मुसलमान है, वो सब सारी आबादी को लेकर वो अक्सरियत बन, उनकी अक्सरियत को काट के उन्होंने सिर्फ वेल बना दिया है। इधर जम्मू को, वहाँ पे समझिए हिंदू पॉपुलेशन को अक्सरियत बना दी, इधर बुद्धिस्ट और हिंदू, ये तो चालाकियाँ हैं। इन चालाकियों को हमें सामने ला के लोगों के सामने दिखाना होगा कि किस तरीके से हक
جو ہے ان کا وہ ہے پلیبسٹ. میں بار بار اس چیز کو اجاگر کرتی ہوں, حق ارادیت کی بات نہیں ہے, بات ہے پلیبسٹ کی. ان کی رائے شماری لی جائے گی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. یہ رائے شماری ہے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان کو جائے, اور اس رائے شماری کے بارے میں آواز اٹھانی پڑے گی, آگے لے کے جانا پڑے گا, اور اس کے اندر بہت کام کرنا ہے. بہت سے پیمفلٹس, بہت سے آرٹیکل, بہت سی پریس, میڈیا, سب کے ساتھ انٹریکشن کرنی پڑے گی. اس میں دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب جب واپس آتے ہیں تو ان کی کیا پروگرام ہے, یہ وقت بتائے. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ. بیسٹر شاہدہ جمیل, سابق وفاقی وزیر قانون, ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات ہو رہی تھی مقبوضہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کشمیریوں کی, ان مظلوم کشمیریوں کی جو 5 اگست کے بعد سے مسلسل اپنے گھروں میں محصور ہیں لاک ڈاؤن اور کرفیو کی صورتحال کی وجہ سے. آنے والے دنوں میں یقیناً صورتحال کسی حد تک بہتر ہو سکتی ہے اگر حکومت پاکستان اسی سنجیدگی کو اختیار کیے رکھے اور سفارتی محاذ پر مضبوطی سے ڈٹی رہے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت اور ان کو جو سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق ان کی اپنی مرضی کے کسی ریاست کے ساتھ الحاق کرنے کا ایک حق حاصل ہے اس کے تحت فیصلہ کروا لیا جائے رائے شماری کے ذریعے, تو یقیناً مقبوضہ جموں کشمیر کے معاملے پر کچھ بہتری ممکن ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد